पूरे प्रदेश भर में निकल रही विकास यात्रा के दौरान हाटपिपलिया विधानसभा में विधायक मनोज चौधरी के नेतृत्व में विकास यात्रा निकाली जा रही है। 5 फरवरी से प्रारंभ हुई विकास यात्रा अभी तक 60 से अधिक गांवों का भ्रमण कर चुके हैं। इस दौरान उत्साह के साथ ग्रामीणों द्वारा विकास यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। रविवार के दिन उक्त विकास यात्रा हाटपिपलिया क्षेत्र के कई गाँवों में पहुंची। इस दौरान यात्रा का ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर उक्त योजनाओं की जानकारी विधायक मनोज चौधरी द्वारा आम जनता को दी जा रही है। साथ ही मनोज चौधरी की उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र एवं लाडली लक्ष्मी योजना के पत्र वितरण किए गए। ग्राम पंचायत मनासा में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान जगह जगह पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज इस विकास यात्रा का जो उद्देश्य है, ये महत्वपूर्ण तो यह है कि सरकार हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी कई योजनाएं हमारी संचालित की जाती है। जैसे खाद्यान्न पर्ची के माध्यम से निःशुल्क अनाज गरीब परिवारों को देना हो, परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा जिसके माध्यम से 5 लाख तक की उनको मुफ्त चिकित्सा सहायता मिल जाए, पेंशन योजना वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन हो या फिर संबल जैसी योजना हो, लैपटॉप की योजना है, किसान सम्मान निधि में पात्र हितग्राही या फिर हमारा में विकास कार्यों के साथ साथ आम जन से इस बात का संवाद भी करते हैं कि कोई हमारा साथी वंचित रह गया हो तो हम उसको उन वंचित लोगों को कोई लाभ दिला पाएँ, उनके चेहरे पर खुशी ला पाएँ, उनके जीवन को बदल पाएँ। ये मुख्य रूप से यात्रा का उद्देश्य भी है और ये हम लगातार कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।